बाजार में आईपीओ के जरिए पैसा बनाने की सोच रहे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। देश का दिग्गज कारोबारी घराना टाटा ग्रुप लंबे वक्त के बाद एक आईपीओ लाने जा रहा है। 18 साल बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। दरअसल टाटा मोटर्स ने आईपीओ के जरिए अपनी सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज में आंशिक स्टेक सेल की मंजूरी दे दी है। टाटा मोटर्स के बोर्ड ने टाटा टेक के आईपीओ लाने को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, यानी टाटा टेक्नोलॉजीज बाजार में लिस्ट होने वाली टाटा ग्रुप की एक और कंपनी बन जाएगी। टाटा टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एविएशन सेगमेंट में बड़ी डिमांड को देखते हुए टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ लाने का प्लान बनाया जा रहा है। 2004 के बाद से अभी तक टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी का आईपीओ नहीं आया था। तब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का आईपीओ आया था। इस लिहाज से ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की लीडरशिप में आने वाला पहला आईपीओ होगा। एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन 2017 में बने हैं। हालांकि टाटा प्ले का भी आईपीओ कतार में है। डायरेक्ट होम प्लेटफॉर्म टाटा प्ले ने अपने आईपीओ के लिए प्री फाइल ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP गोपनीय रूप से सेबी के पास 29 नवंबर को जमा भी कर दिया है। इस तरह से ये ऐसी पहली कंपनी बन गई है जिसने आईपीओ के लिए प्री फाइलिंग रूट का सहारा लिया है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मार्केट कंडीशन, जरूरी अप्रूवल्स, रेगुलेटरी क्लियरेंस और दूसरी चीजों पर निर्भर करेगा। टाटा मोटर्स की 2022 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास टाटा टेक्नोलॉजीज की 74% से ज्यादा हिस्सेदारी है। गौरतलब है कि टाटा मोटर्स ने 2018 में टाटा टेक में 43% स्टेक प्राइवेट इक्विटी कंपनी वॉर्बर्ग पिंक्स को बेचने का सौदा रद्द कर दिया था। यह सौदा $36 करोड़ में हो रहा था। इस सौदे को रद्द करने की वजह रेगुलेटरी अप्रूवल ना मिलना और बाजार की स्थितियों के चलते आंतरिक परफॉर्मेंस की चुनौतियों को बताया गया। टाटा टेक की नींव 1989 में रखी गई थी। ये कंपनी ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मशीनरी, एरोस्पेस और दूसरे इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स में टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती है। खैर, गुजरे कुछ वक्त में आईपीओ में पैसा लगाकर मोटी कमाई करने की सोच रहे इन्वेस्टर्स के हाथ खाली ही रहे हैं। अब अगर ऐसे में टाटा ग्रुप अपनी कंपनी टाटा टेक का आईपीओ लाती है तो इन्वेस्टर्स को एक दफा फिर से बाजार में कमाई का मौका मिल सकता है।